हाय देयर, इट्स मी फ्रेंड्स। इस लेसन में हम एक टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हमारे ब्राउजर विंडो पे यह एक टेबल नजर आ रही है, जबकि यह एक दूसरी टेबल है। फर्स्ट टेबल का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने बॉडी पे हमारा एक टील कलर दिखा रहा है, वो इसकी वजह से है। हमने बॉडी पे बीजी कलर अप्लाई किया टी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी पे टील कलर नजर आ रहा है। फिर हमने एक लोकेशन दिया है, एक टैग ओपन किया सेंटर टैग। इस सेंटर टैग की वजह से ये जो हमारा टेबल है या लेफ्ट से और राइट से दोनों की तुलना में सेंटर में है। और टेबल पे हमने बॉर्डर वन अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमें टेबल के चारों तरफ ये बॉर्डर नजर आ रहा है। अभी क्या है कि हमने तीन रो ओपन किए, एक दो तीन। इसको फिर से समझते हैं। इस टेबल में एक दो तीन, तीन रो दिखाई दे रही हैं एंड एक दो, दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तीन रो और दो कॉलम, तो तीन रो का मतलब तीन बार टी आर ओपन होगा और क्लोज होगा। तो हम देखते हैं तीन बार ये टी आर ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, इसकी वजह से एक दो तीन, तीन रो हमें दिखाई दे रही होंगी। और टीडी कितनी बार ओपन होगा, एक दो। ये देखें प्रत्येक रो में दो कॉलम है, एक दो, एक दो, एक दो, ये हमारे कॉलम की संख्या है। जितनी एक टीआर के अंतर्गत जितनी बार हम टीडी को ओपन क्लोज करेंगे लाइक दिस, जितनी बार ओपन क्लोज करेंगे उतने कॉलम बनेंगे, और जितनी बार टीआर को हम ओपन क्लोज करेंगे उतने रो बनेंगे। क्योंकि कोई भी टेबल रो में और कॉलम में ही डिवाइड होती है। वेल, हमने टेबल को यहां पे ओपन किया है और नीचे ला करके यहां पे टेबल को क्लोज कर दिया है। हमारी यह एक टेबल है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर यहाँ सेंटर में आना चाहिए, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है नहीं दिखनी चाहिए। यही लाइन हमें मर्ज करनी है, यही लाइन हमें स्पैन करनी है। इसमें यही सॉल्व करना है कि जो कॉलम्स है, कॉलम्स को हमें स्पैन करना है यहाँ पे, क्योंकि रो तो हमारे एज इट इज ही रहेंगे बट कॉलम स्पैन होगा। और ये जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट हम चाहेंगे कि सेंटर में हो जाए यहां पे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा। तो हमें काम पहला ये करना होगा कि ये जो ब्लैंक है इसको हमें मिटाना होगा। इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये जो कंप्यूटर है, दिस इज द कंप्यूटर, यह जो कंप्यूटर है हमें ये दिखा रहा है, और इसका जो ये हिस्सा है ये पूरी तरह से यहां पे ब्लैंक है। उसके बाद दूसरी रो का जो फर्स्ट कॉलम है वो सॉफ्टवेयर का है, वो यहां दिखा रहा है, और सेकंड कॉलम हार्डवेयर का है जो यहां दिखा रहा है। थर्ड वन में जो फर्स्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू। यदि हम यहां से कॉलम को स्पैन करें, कमांड क्या है, कॉल स्पैन, गुड, कॉल स्पैन इक्वल टू कितने कॉलम है, एक और दो, दो कॉलम हमें स्पैन करना होगा, इक्वल टू इन इन्वर्टेड कॉमा वी हैव टू टाइप टू। अब इसको हम सेव करते हैं और देखें कि ब्राउजर विंडो पे अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। इसको रिफ्रेश करें, देखें कुछ हद तक तो सॉल्व हो गया। चलिए इसको हम अलाइन कर दें, A L I G N, align equal to centers, जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट हमारा सेंटर हो जाएगा। सेव करें, सेव, और ये काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट अगर ध्यान से हम देखेंगे तो प्रॉब्लम अभी भी है, यहां पे कुछ हमें गैप दिखा रहा है। इसका मतलब मर्जिंग नहीं हुई है। इस मर्जिंग को सही तरीके से अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा,
ये जो हिस्सा दिखा रहा है छोटा सा, वो इसकी वजह से दिखा रहा है। इस कॉलम की वजह से ये हिस्सा शो कर रहा है। तो अगर इसे हमें खत्म करना है तो इस पूरे कॉलम को खत्म करना होगा। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं और मिटाते ही हमारे पास ऑप्शन रह गया, केवल एक टीडी है इस सेक्शन में, जिसका जिसने दो कॉलम को स्पैन किया है और अलाइनमेंट सेंटर दिया गया है, उसके अंदर कंप्यूटर लिखा हुआ है, टीडी यहां पे क्लोज है। दूसरे के कॉलम को हमने यहां से मिटा दिया। इसको सेव करें और ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करें, पूरी तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यदि इसको हम हेडर के रूप में दिखाना चाहते हैं तो हम इसको हेडर के रूप में दिखा सकते हैं। यहां पे केवल डी से हटा करके एच कर देना है, टी एच फॉर द टेबल हेडर, और जहां पे हमने टीडी से क्लोज किया है इस टीडी को भी टी एच से रिप्लेस कर देना है। और जैसे हम इतना करेंगे यह हमारा हेडर में चेंज हो जाएगा लाइक दिस। नाउ दिस इज द टेबल हेडर इन सेकेंड पोर्शन। अभी हमने यहां पे दो एच आर किया हुआ है और उसको कलर दिया हुआ है। चलिए दूसरी टेबल पे चलते हैं। हमारी पहली जो हमारी जो पहली टेबल थी वो ऊपर चली गई। अभी क्या है, उसके बाद इस टेबल के बाद एक बीआर है, ये बीआर हमने दिया जिसकी वजह से इस टेबल में और इसमें गैप है। फिर दो हमने ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइनें ले रखी है, एक दो, और पुनः हमने एक बीआर किया ताकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी हमें गैप मिल जाए, और पुनः इसको टेबल बॉर्डर वन दिया है जिसकी वजह से हमें ये डिस्प्ले शो कर रहा है। अब हम इस कोड को ऊपर लेके चलते हैं। एक्चुअल दिस इज अवर टेबल। अब सेकेंड जो टेबल है हमारी ये वाली, वो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे आके क्लोज हो जा रही है। यहां पे भी हमें एक दो तीन रो मिली है, एक और दो कॉलम मिले हैं। देखें टीआर एक बार ओपन हुआ क्लोज हुआ है, एक रो हो गई है। यहां पे टीआर ओपन हुआ क्लोज हुआ, ये हमारी दूसरी रो हो गई, और यहां पे टीआर ओपन हुआ क्लोज हुआ, ये हमारी तीसरी रो हो गई। अब प्रत्येक रो के अंदर हम देख रहे हैं दो बार टीडी लिखा हुआ है, अर्थात दो कॉलम बनेंगे, एक दो। यहां सॉफ्टवेयर, यहां पे कंप्यूटर लिखा है, यहां पे सॉफ्टवेयर लिखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉलम में शो कर रहे हैं, बट जब नीचे आते हैं तो ये खाली है, उसके नीचे आते हैं तो ये खाली, जिसकी वजह से ये हिस्सा ब्लैंक है और ये हिस्सा ब्लैंक है। एक हिस्सा लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये और ये आ रहा है। हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि तीन रो यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, इनको स्पैन करना है। यानी पहली बार हमने यहां पे कॉलम को स्कैन किया था, स्पैन किया था, और यहां पे हमें रो को ही स्पैन करना है और उसकी संख्या है तीन। ठीक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एक तरीका है यहां पे जाकर के, चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन की, ये पूरा स्पैन होना चाहिए, तो यहां पे जाकर के अगर लिख दें रो स्पैन इक्वल टू थ्री, क्योंकि तीन रो को हम स्पैन करना चाहते हैं, और सेव करें रिफ्रेश करें, तो देखें प्रॉब्लम कुछ अजीब तरीके की हो गई। अब इसे हमें और भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा। एक तरीका यह है कि हम यहां से इस टीडी को मिटा दें। सेकेंड रो का जो टीडी है उसे मिटा दें और जो थर्ड रो का टीडी है उसे मिटा दें। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहां से हमने मिटा दिया और यहां से हमने मिटा दिया। कोड को मेंटेन कर लेते हैं, सेव करें और रिफ्रेश करें। बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। कोड पे एक बार नजर डालें। इस फर्स्ट रो को हमने स्पैन कर दिया है जो तीन रो के बराबर है। ये हमारी फर्स्ट रो का
फर्स्ट कॉलम हमने स्पैन किया है, रो स्पैन इक्वल टू 3, और इसकी वजह से सेकेंड का फर्स्ट कॉलम मिटा दिया और थर्ड का फर्स्ट कॉलम मिटा दिया और हमें हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे एक वीआर टैग यूज करें हम, तो एक एचआर टैग यूज करते हैं। इसके बाद पुनः एक बीआर टैग यूज करते हैं। सेव करें और रिफ्रेश करें। व्हाट विल हैपन? कुछ गैप मिला है हमें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिली है। हम चाहते हैं कि यहां पे एक हेडिंग दिया जाए, दैट इज द H1। हेडिंग को क्लोज कर लिया जाए H1। अब इसमें हमने कुछ लाइन लिख दी है, जैसे कि कंप्यूटर पार्ट्स, और इसको हमने सेव किया, यहां से रिफ्रेश किया और वो कंप्यूटर पार्ट यहां लिखे। हम चाह रहे हैं कि यह कंप्यूटर पार्ट एनिमेट हो, मूव करे। तो उसके लिए एक कमांड होता है H1 से जस्ट पहले मूव कराने के लिए कमांड हमें लिखना पड़ेगा MarQ, और इसके बाद पुनः हमें MarQ को क्लोज करना होगा, क्योंकि अगर MarQ क्लोज नहीं करेंगे तो उसके आगे जो भी लाइंस आएंगी वो भी MarQ का, उन पे भी MarQ अप्लाई हो जाएगा। अब इसको यदि हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें यह कंप्यूटर लेफ्ट साइड में मूव करने लगा। गुड। अब हम चाहते हैं यह राइट साइड में मूव करे, तो हमें इसका एट्रीब्यूट MarQ का एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन इक्वल टू हमने दिया यहां पे अप, सॉरी अप की जगह पे हमें यहां पे राइट देना होगा, RIGHT राइट, और इसको सेव करें और ये राइट में मूव करना शुरू कर दिया। यानी इसके डायरेक्टर हम, इसकी जो डायरेक्शन है हम लेफ्ट में और राइट में कर सकते हैं, तो अप में भी कर सकते हैं। सेव करते हैं। अप करने पे क्या होगा, यह अप साइड में मूव करेगा। यदि अप हो सकता है तो लाजमी तौर पे यह डाउन भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें और यह अब डाउन होना शुरू कर दिया। अब हम इसको चाहते हैं अल्टरनेट, तो यहां पे डायरेक्शन की जगह पे हमें लिखना होगा बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट। अल्टरनेट इसको हम सेव करें, ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करें। देखें यह इधर जाएगा और पुनः इधर से वापस लौट के आएगा, अल्टरनेट होगा। नहीं हुआ, हमारे कोडिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बिहेवियर, तो हमने देखा हमारी कोडिंग में मिस्टेक है। बिहेवियर की जो स्पेलिंग होगी यहां पे यू नहीं रहेगा। अब ये हो गया बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है अल्टरनेट मूव करेगा, लाइक वो यहां से इधर जाएगा और पुनः राइट आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट आएगा, यानी अल्टरनेट इट विल मूव। तो अपने वेब पेज पे कहीं भी हमें MarQ को यूज करना हुआ किसी भी पैराग्राफ के साथ, किसी भी हेडिंग के साथ, तो हम यूज कर सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। तो इस लेसन में हमने दो तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक टेबल बनाई जिसमें कॉलम को स्पैन किया, फिर दूसरी टेबल बनाई जिसमें रो को स्पैन किया,
तीसरा एक हेडिंग पे हमने मार्क्यू अप्लाई किया, मार्क्यू अप्लाई किया तो हमने उसको डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन हमने अप दिया वर्क किया, फिर डाउन दिया तो भी वर्क किया, लेफ्ट दिया तो भी वर्क किया और राइट दिया तो भी वर्क किया। और एक और अल्टरनेट इसके साथ में हमने दे दिया, दैट इज द बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट, ताकि लेफ्ट जाए और पुनः राइट को आए, लेफ्ट जाए और राइट को आए। इस तरीके से कई तरीके से हमने अपने इस हेडिंग पे मार्क्यू अप्लाई करना सीखा। उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको काफी समझ में आया होगा और इस लेसन के जरिए आप अपने वेब पेज में कुछ इंटरएक्टिविटी भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।